दुनिया में सबसे जहरीली जीव का नाम आता है तो सांप ही होता है। हम सभी यह जानते हैं कि दुनिया में सबसे जहरीला जीव सांप ही है, जिसके काटने से लोग मर तक जाते हैं। और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप कौन सा है और क्या सांप का आँख होता है, तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन है, जिसके काटने से लोग मर भी जाते हैं। और दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जो कि एक बार काटने से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है, और टाइपन को एक जहरीला सांप भी कहा जाता है और इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इसके एक बार काटने से 100 से अधिक लोगों या फिर 2.5 लाख चूहों की जान जा सकती है। आप इतने में ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि सांप कितना खतरनाक हो सकता है, जिसके एक बार काटने से, यानी कि जो एक बार काटता है तो काफ़ी खतरनाक जहर भी उगलता ही होगा, जिसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान तक चली जाती है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार सांपों का आँख होता है भी या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सांप का आँख भी होता है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन सांप का एक ही आँख होता है। और आपने यह जरूर ख्याल किया होगा कि एक आँख होने की वजह से ही ये ज़्यादातर एक जगह नहीं टिक पाता, यानी कि वो एक ही जगह होता है। अगर उसके सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो सांप तुरंत उसे डंक नहीं मारेगा, क्योंकि उससे वह आदमी 2-4 आदमी दिखाई देता है। एक आँख होने की वजह किसी भी वस्तु को अगर सांप के आगे रखा जाए तो उस वस्तु उसे 2 या 3 दिखाई देता है, जिसे समझने में उसे टाइम लगता है। तो आप यह बात जरूर ध्यान देना कि जब भी अगर आपके आगे सांप हो या फिर आपको पता चले कि इस इलाके में सांप है, तो उस जगह आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांप आपके सामने ही है या फिर आपके अगल बगल में है और अगर आप धीरे चल रहे हैं तो आप सांप को पता चल ही जाएगा कि आप आगे ही हैं। और दोस्तों, एक भ्रम भी चल रहा है कि कोई भी अगर सपेरा आता है और अपना बीन बजा देता है तो सांप नाचने लगता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको पता है कि किसी इलाके में सांप है और अगर आप उस जगह में बीन भी नहीं बजाते या फिर आप डफली को लेकर भी अगर बजाते हैं तो उस जगह से सांप निकल ही जाएगा, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि सांपों को एक जगह पर ज़्यादा आवाज़ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर किसी इलाके में सांप है और बार बार आप वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, यानी कि साउंड बजा रहे हैं, तो उस जगह से सांप निकलेगा ही निकलेगा। और आपको एक बात और भी बता दूं कि सांप किधर से चलना है या फिर किसी इलाके में चलना है उसे किस तरह से पता चलता है। तो दोस्तों, जो सांपों के नीचे होता है, यानी कि जो निचला भाग होता है, उसमें सल्क टाइप का होता है, यानी कि जो वाइट सल्क होता है वह हमेशा उसे जमीन में रगड़ते रहता है, और रगड़ने के उसके मस्तिष्क में संदेश पहुंचता है कि आगे रास्ता है या फिर नहीं। इसलिए आप हमेशा यह ध्यान देना कि जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है तो इधर उधर चलते रहता है, जिसकी वजह से सांप को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अपने सल्क को रगड़ने लग और रगड़ता है तो सांप हिलते रहता है और हमें लगता है कि सपेरा बीन बजा रहा है तो सांप नाच रहा है। तो दोस्तों, ये था सांपों का कुछ रहस्य, यानी कि आप इसे कुछ जानकारियाँ भी कर सकते। दोस्तों, अगर यह आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसी तरह के और भी जानकारियाँ जाननी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।